नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीमीटर के बारे में। देश भर में कोविड 19 हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में जिस तरीके से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में कोविड 19 की स्थिति कब ठीक होगी इस बात को कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि कोविड 19 संक्रमित मरीजों में एक लक्षण जो सामान्य रूप से देखी गई है वो ये कि जब भी कोई कोविड 19 की चपेट में आता है उसका ऑक्सीजन लेवल अपने आप काफी ज्यादा गिर जाता है। यही कारण है कि सलाहकार शुरू से ही सभी लोगों से ऑक्सीजन लेवल पर खास ध्यान देने की बात कह रहे हैं। खून में ऑक्सीजन के सही स्तर की बात करें तो 95 से 100% के बीच सैचुरेशन लेवल होने की बात कही जाती है। 95% से कम ऑक्सीजन लेवल इस बात का संकेत है कि उनके फेफड़ों में परेशानी हो रही है। ऑक्सीजन का स्तर अगर 94 से नीचे जाने लगता है तो सचेत हो जाना चाहिए, और अगर 93 से या इससे नीचे जाए तो मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, क्योंकि यह संकेत है कि उसके शरीर में 8% कोशिकाएं ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं कर पा रही है, जिसके बाद ही बार बार ऑक्सीमीटर का जिक्र भी किया जाता है। आपको बता दें, ऑक्सीमीटर को पोर्टेबल पल्स ऑक्सीमीटर भी कहा जाता है, क्योंकि यह काफी छोटी सी डिवाइस होती है जो यहां से वहां लाई जा सकती है। देखने में यह कपड़े पर लगने वाले क्लिप की तरह होता है, जिसे हाथ की उंगली में फंसाया जाता है। लेकिन इससे पहले इसे ऑन करते हैं, क्योंकि यह डिस्प्ले मशीन होता है जो तुरंत ही इसकी स्क्रीन पर ऑक्सीजन के स्तर को दिखाने लगता है, मरीज की पल्स स्टेटस को भी दिखाता है। कोविड 19 के मरीज कुछ ही घंटे में लगातार इस मशीन के माध्यम से अपने ऑक्सीजन का लेवल जांच कर सकते हैं। इसके साथ ही मरीज की पल्स यानी कि नब्स का स्टेटस भी दिखाता है। सलाहकारों की माने तो कोविड 19 के मरीजों को 6 घंटे पर लगातार अगर इस टेस्ट को देखते हैं तो उन्हें पता रहता है कि उनकी लंग्स सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। डॉक्टरों का कहना है कि हल्के लक्षण वाले कोविड 19 के मरीज घर पर रहते हुए भी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ऑक्सीमीटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मदद से अनुमान लगाया जा सकता है कि कब किस मरीज को अस्पताल लाने की जरूरत है। इससे अस्पतालों पर भी बोझ कम होगा और जरूरतमंदों को सही समय पर इलाज मिल सकेगा। वहीं अब आइए आपको बताते हैं कि ऑक्सीमीटर की जरूरत कोविड 19 के माहौल में आखिर है क्यों। ऑक्सीमीटर उपकरण की मदद से आप अपने खून में मौजूद ऑक्सीजन की उपलब्धता आसानी से जान सकते हैं, यानी कि आपको इससे पता चलेगा कि आरबीसी कितना ऑक्सीजन आपके शरीर में बना रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि खून में ऑक्सीजन के प्रवाह से ही सारे ऑर्गन्स काम करते हैं और यह जीवित रहने के लिए काफी ज्यादा जरूरी माना जाता है। जब से कोविड 19 की शुरुआत हुई है तब से डॉक्टरों का यही कहना है कि यह वायरस फेफड़ों पर सबसे गंभीर वार करता है। इतना ही नहीं, यह वायरस शरीर के अंग को चुपचाप नुकसान पहुंचाता है, और होता यह है कि एकाएक हल्के लक्षण वाले मरीज को ऑक्सीजन स्तर कम हो जाता है और हालात काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इस परिस्थिति तक नहीं पहुंचने के लिए जरूरी है कि कोविड 19 संक्रमित होम आइसोलेशन में रहने के दौरान खून में ऑक्सीजन का नियमित तौर पर जांच करें। इस उपकरण की मदद से मरीज आसानी से इस बात का पता लगा सकते हैं कि आखिर उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कब कम हुई है, जिसके बाद आसानी से अस्पताल में भर्ती भी समय पर करवा सकते हैं। हालांकि डॉक्टर बच्चों और स्वास्थ्य वयस्कों के लिए इस उपकरण को जरूरी नहीं बताते हैं। क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन वाले लोग जैसे अस्थमा, हार्ट डिजीज और के मरीज के लिए खून में ऑक्सीजन की जांच नियमित तौर पर जरूरी होती है। अब आइए जानते हैं कि ऑक्सीमीटर उपकरण की एक्यूरेसी पर कितना यकीन किया जा सकता है। ऑक्सीमीटर की रीडिंग की बात करें तो एक्यूरेसी के मामले में यह उपकरण 2% की घटौती या बढ़ोतरी दिखा सकता है। इससे एरर विंडो कहा जाता है। इसका मतलब है कि स्क्रीन पर दिख रहा रीडिंग मरीज के वास्तविक ब्लड ऑक्सीजन लेवल से 2 पॉइंट कम या ज्यादा हो सकती है। हालांकि कम एक्यूरेसी के बाद भी तेजी से इससे रिजल्ट आने के कारण फिलहाल कोविड 19 संक्रमितों को इस सॉल्यूशन के दौरान इसी से रिकॉर्ड करने को कहा जाता है। पल्स ऑक्सीमीटर को वैसे तो इस्तेमाल करना काफी आसान है, लेकिन इसके लिए भी कुछ नियमों को जरूर जान लेना जरूरी है। जैसे अगर नाखूनों पर गहरे रंग की नेल पॉलिश लगी है तो रीडिंग गलत आ सकती है, इसीलिए जरूरी है कि नेल पॉलिश को हटाकर इस डिवाइस को उंगली पर लगाई जाए। इसके साथ ही काफी ठंडे तापमान में भी ऑक्सीमीटर की एक्यूरेसी गड़बड़ा जाती है, इसलिए ठंडा हाथ ना हो इस बात का ध्यान भी साथ ही साथ में रखा जाए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो से आपको काफी मदद मिली होगी। कोविड 19 के माहौल में ऑक्सीमीटर की जरूरत कितनी ज्यादा है आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।